हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है ह्यूमन आई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को, उसमें इमेज कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लेंस एकोमोडेशन को और नियर पॉइंट फार पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आई के इंट्रोडक्शन से। आई बेसिकली एक कैमरे की तरह काम करती है। जिस तरह एक कैमरे के अंदर एक लेंस और एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, लेंस फोकस करता है लाइट को फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर और उसके ऊपर एक इमेज बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये यहां पर भी आंख के अंदर एक लेंस होता है। ये लेंस बेसिकली एक जेली टाइप लिक्विड होता है, एक आप जिस तरह से ये देखें आप, इस तरह से लिक्विड सा होता है एक बैग के अंदर, ठीक है, और ये इस तरह इस पॉइंट के ऊपर पाया जाता है। तो ये एक लेंस के तौर पर बिहेव करता है, इसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये यहां पर पाया जाता है। ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज जो लाइट आने वाली है ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसको फोकस करता है रेटिना के ऊपर, जैसे कैमरे के अंदर होता है। बिल्कुल सेम उसी तरह से यहां पर भी प्रोसीजर होता है इमेज फॉर्मेशन का। तो इसको समझने से पहले हम कुछ इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको सीख लेते हैं। पहले आई के अंदर वो पोर्शन जहां पर इमेज बनता है, कैमरे में वो पोर्शन फिल्म था, यहां पर वो पोर्शन है रेटिना। रेटिना वो पार्ट है जहां पर आई का इमेज फोकस होता है। अगर इमेज सही से रेटिना के ऊपर फोकस होगा तो हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज वो हमें ब्लर नजर आएगा। यानी अगर कोई इमेज रेटिना से पहले फोकस हो जाए या रेटिना के बाद फोकस हो तो वो इमेज हमें क्लियर नजर नहीं आएगा, बल्कि ब्लर इमेज नजर आएगा। और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है ये लेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हो गया हमारे पास लेंस। ये जो पार्ट इसका नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आंख में जो आप नजर आते हैं आपको लाइनिंग नजर आ रही होती है इस तरह से, ये वो चीज है, इसको हम कहते हैं आयरस। और आयरस के अलावा अगर हम देखें, ये जो हमारे पास लेंस है ये लेंस दो मसल्स के सेट के साथ अटैच होता है। ये जो मसल्स आपको नजर आ रही है थ्री लाइंस यहां पर और यहां पे, इसको हम कहते हैं सिलरी मसल्स। ओके, तो ये लाइट के सॉरी आई के डिफरेंट पार्ट्स थे जो आपने सीख लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर इमेज कैसे बनता है। तो इससे पहले एक मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस इमेज को कैसे बनाता है। आपको पता है कि ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है जो कि लेंस के फोकस पॉइंट से गुजरती है। दूसरी रे हम लेकर जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो कि स्ट्रेट पास करती है, जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करती है एक दूसरे को वहां पर इमेज बनता है। और इसके अलावा इसके अंदर बनने वाला इमेज इन्वर्टेड होता है। तो आई के अंदर इमेज बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है उसके एक पॉइंट से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है जो इस लेंस से गुजरने के बाद फोकस से गुजरती है और इस रेटिना पर आती है। दूसरी उसी पॉइंट से रे आती है जो ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी और एक पॉइंट पर जाकर दोनों मीट करेगी। ये इतना ख्याल रखना है कि जहां पर ये मिलेंगी रेटिना के ऊपर इमेज फोकस होना चाहिए। अगर रेटिना से पहले फोकस हो जाता है इमेज या रेटिना के बाद फोकस होता है तो फिर ब्लर हो जाएगा, आपको इमेज क्लियर नजर नहीं आएगा, ब्लर नजर आएगा। इसी तरह जो उसके एक लोअर पॉइंट है वहां से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर गए जो कि यहां से बेंड होकर फोकस पॉइंट से गुजरेगी और उसके बाद एक रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास की जो कि इस पॉइंट पे आगे दोनों मिली तो वहां पर इमेज बना। तो इस तरह ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका एक क्लियर इमेज यहां पर रेटिना के ऊपर बन चुका है। इस तरह आई के अंदर जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो हमने सीख लिया। अब हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यहां पर एक पार्ट है इसका, ये आपने देखा ये आयरस है। आयरस इस तरह से एक रिंग बनाता है, इस रिंग के अंदर ये जो होल है ये होल को हम कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। तो ये प्यूपिल है, ये आयरस का ये जो रिंग बनती है ये प्यूपिल है, ये सेंटर का एरिया है। प्यूपिल क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये लाइट रेज को अलाउ करता है कि कितनी लाइट रेज इस लेंस से जाके इसमें इधर इमेज बनाएगी। तो उसके लिए आपको बता दें कि जब लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है फ्रंट से तो फिर क्या होता है, इसका जो प्यूपल का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी ये साइज में छोटा हो जाता है, प्यूपल का साइज स्मॉलर हो जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब कभी सामने से लाइट बहुत तेज पड़ रही हो तो आप ऐसे अपनी आंखों को ऐसे प्रेशर डाल रहे होते हैं लेंजेस के ऊपर इस तरह से, तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, प्यूपल का साइज रिड्यूस कर रहे होते हैं। प्यूपल का साइज रिड्यूस करने से कम लाइट यहां से लेंस के अंदर एंटर होगी और आप ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे।
अब दूसरा, जब आपको मध्यम लाइट का सामना होता है या लाइट की मिकदार कम होती है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ऐसे आंखें खोल के देख रहे होते हैं इस चीज को कि ये क्या लिखा हुआ है या क्या चीज इधर, आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। तो अगर कम लाइट है, लाइट मध्यम है, तो आप ऐसे आंखें खोल के उसको ढूंढते हैं। उसमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप इस तरह से प्यूपल का साइज इंक्रीज कर रहे होते हैं ताकि लाइट कम है, ज्यादा से ज्यादा लाइट प्यूपल से इंटर हो और इमेज क्लियर हमारे रेटिना के ऊपर बने। तो इमेज को क्लियर करने के लिए लाइट की एक्सपोजर भी ठीक होना चाहिए। जब लाइट बहुत ज्यादा होती है, उसका लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो प्यूपल अपने साइज को रिड्यूस कर देता है। जब साइज रिड्यूस होता है तो कम लाइट इंटर होती है उसमें और वो इमेज को आसानी से बना सकता है और इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकता है। जब लाइट मध्यम होती है तो फिर प्यूपल का साइज बढ़ जाता है। तो ये है हमारे पास प्यूपल, इसका साइज जो है वो लाइट के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा होता है। तो अब इसके अंदर किस तरह से इमेज बनता है वो हमने सीख लिया। अब हमने एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो पढ़ना है, वो क्या है इस लेंस के बारे में, लेंस अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन बेसिकली क्या होती है, देखिए आप जब किसी भी कैमरे से कोई इमेज लेते हैं, जैसे DSLR बड़ा फेमस कैमरा है जिसके अंदर लेंसेज यूज होते हैं, तो आप अगर नजदीक की चीज का इमेज लेना चाहते हैं तो आप उसको, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, लेंसेज को आगे पीछे मूव करते हैं, क्योंकि एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो या तो आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे या उस लेंस को आगे या पीछे मूव करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे। अगर आपने करीब की चीज को फोकस करना है तो उसको कर लेंगे, या आप दूर की चीज को फोकस करना है तो आप उसको कर लेंगे। अब जो DSLR से आप पिक्चर ले रहे होते हैं, आपकी जो पिक्चर करीब फ्रंट पे आप खड़े हैं, बैक पे कोई भी एक सीन है, तो आपने करीब के हिस्से को फोकस किया तो वो क्या करेगा, जो आपका इमेज करीब है उसको तो क्लियरली फोकस कर देगा, लेकिन जो बैक साइड है जो कि दूर है उसको वो ब्लर कर देता है। तो ये एक कैमरे के अंदर मसला होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आंख के अंदर ऐसी काबिलियत बनाई है, ऐसी काबिलियत रखी है कि वो अपने लेंस को, उसकी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है खुद से। कैसे खुद से कम या ज्यादा कर सकता है, जब किसी दूर की चीज को देखना होता है तो हमें लेंस को आगे या पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, जैसे हम कैमरे में कर रहे होते हैं, खुद ब खुद उसकी फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है और वो करीब की चीजों को भी फोकस कर लेता है और यही लेंस दूर की चीजों को भी फोकस कर लेता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास लेंस जो होता है वो एक छोटा सा बैग होता है, उस बैग के अंदर लिक्विड सा होता है, तो वो लिक्विड इस तरह से अटैच होता है दो मसल्स के साथ ऐसे। अब ये जो दो मसल्स के साथ अटैच है ये एक लेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। जब ये मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो इसकी थिकनेस कम या ज्यादा हो जाती है। अभी थिकनेस इसकी ज्यादा है तो यहां आप थिकनेस इसकी कम हो गई, तो थिकनेस कम या ज्यादा होने से क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। फोकल लेंथ चेंज होगी तो ये नजदीक की चीजों को और दूर की चीजों को, अलग अलग चीजों को ये फोकस करने की काबिलियत रखता है। तो इंसानी आंख के अंदर ये काबिलियत है कि वो नजदीक की चीजों को और दूर की चीजों को, दोनों को फोकस कर सकता है अपने लेंस की थिकनेस को चेंज करके, जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है और वो दूर और नजदीक दोनों चीजों को फोकस कर सकता है और इमेज बना सकता है रेटिना के ऊपर। इसको हम कहते हैं लेंस एकोमोडेशन। अब देखें, इसको हम समझते हैं कि जब हमने कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसका हमने अगर इमेज बनाना है तो इमेज आपको मैंने बताया था क्लियर तब नजर आएगा आपको जब वो इमेज रेटिना के ऊपर फोकस होगा। ये जो सरफेस है हमारे पास, ये रेटिना है। इमेज रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए हमने ये लेंस यूज करना है। अब होता क्या है कि ये जो आई के मसल्स है ये रिलैक्स हो जाते हैं, जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो कैसे ये इस तरफ चले जाएंगे ऐसे, तो होगा क्या कि जो आपके पास ये जो लेंस था, ये जैसे मसल्स इस तरफ मूव करेंगे रिलैक्स हो जाएंगे तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। थिकनेस कम होने से क्या होगा, थिकनेस कम होने से ये होगा कि ये जो लाइट रेज इसमें आ रही है वो अब दूर जाके फोकस होंगी, यानी दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि अब ये कम कन्वर्ज होगी। यानी कि देखें, यहां से इस लेंस का काम ये इसको बेंड करना, अगर इसकी फोकल लेंथ कम है तो ये ज्यादा बेंड करेगा, अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो ये दूर जाके बेंड करेगा या कम बेंड करेगा। जब ऑब्जेक्ट दूर पड़ा होता है तो आपको जो रेज ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से मिल रही है, आपने लेंस के थ्रू उसको कम, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी, यानी इसको कम कन्वर्ज करना है ताकि इमेज रेटिना के ऊपर बने। जैसे अगर मैं इसको इससे पहले, यानी ज्यादा डाइवर्ज कर देता, ये यहां से इधर आ जाता ऐसे, तो यहां पर दोनों पॉइंट मिल रहे होते,
मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं कि अगर मैं इसकी थिकनेस चेंज ना होती, यानी कि ये अपनी थिकनेस को कम ना करता, तो फिर क्या होता, ये ज्यादा डाइवर्ज हो जाता और इस पॉइंट पे आके कन्वर्ट करता, यहां पर वो पॉइंट बनता, तो इमेज कहां बनता, इस पॉइंट पर रेटिना से पहले बन जाता। अब रेटिना से पहले इमेज बनेगा तो हम तो उसको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हमें तो रेटिना के ऊपर इमेज बनाना है। तो फिर ये जो सिलरी मसल्स हैं ये हो जाते हैं रिलैक्स, इसकी थिकनेस हो जाती है कम, थिकनेस कम होने से क्या हो जाता है, ये फिर रेज ऑफ लाइट को कम डाइवर्ज करती है, कम उसको बेंड करती है, तो ये दूर जाके फोकस होती है। यानी सिंपली हम ये कहेंगे कि उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस जब कम होती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, अब इमेज दूर जाके फोकस होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से रेटिना के ऊपर इमेज बनता है और हम उसको देख लेते हैं। अब जब हम हमने देखना होता है कोई करीब की चीज को, जैसे हमारे पास ये वाली है, तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत करीब है हमारी आंख के, तो इस हालत में क्या होता है, अब देखिए हमारे पास जो लेंस था बेसिकली जो सिलरी मसल्स रिलैक्स हुए थे वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, पहले ऐसे था अब इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, इसे जब इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो अब ये जो रे आ रही है लाइट की इसको ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है, यानी इसका फोकस जो है फोकल लेंथ वो कम हो जाएगी। देखें इसकी फोकल लेंथ जो है इतनी है, यहां पर फोकस हो रही लाइट, इतनी फोकल लेंथ है और इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। जब इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस कब बढ़ेगी, जब सिलरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये ऐसे आके पुश करते हैं, ऐसे 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 पुश करेंगे, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे हम ये हमारे पास इस तरह से था, तो हम इसको जब ऐसे पुश करेंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। जब थिकनेस बढ़ेगी तो थिकनेस के बढ़ने से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाती है, फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, तो आप ये करीब की चीजों को रेटिना के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देगा। तो करीब की चीजों को रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए फोकल लेंथ शॉर्टर होनी चाहिए इस लेंस की, तभी ये ज्यादा लाइट को बेंड करेगा रेज को और इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है। इस तरह हम नजदीक की चीजों को भी देख सकते हैं और दूर की चीजों को भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा लेंस अकोमोडेशन। एक बार फिर से बता देता हूं आपको लेंस अकोमोडेशन क्या होती है, कि आंख के अंदर जो एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस पाया जाता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी थिकनेस को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो जब इसने दूर की चीजों को देखना होता है तो अपनी थिकनेस को कम कर देता है। कैसे कम होती है थिकनेस, सिलरी मसल्स के रिलैक्स होने से। सिलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो ऐसे बैकवर्ड मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करेंगे तो इसको पुश कर गए ऐसे, तो क्या होगा, इसका फोकस दूर हो जाएगा और ये इमेज रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगा। इसी तरह जब हमने करीब की चीजों को फोकस करना है तो फिर ये सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये ऐसे पुश करेंगे, पुश करेंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ने से इसकी फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। देखिए फोकल लेंथ शॉर्टर होगी, फोकल लेंथ शॉर्टर हो जाएगी तो इमेज रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगा। तो ये था हमारा लेंस अकोमोडेशन। अब हम बात करते हैं नियर पॉइंट की और फार पॉइंट की। नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, देखिए इसके नाम से जाहिर है नियर पॉइंट वो कम से कम डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूं, मेरे पास अगर एक बुक है तो बुक को मैं यहां से पढ़ रहा हूं तो मुझे क्लियरली ये चीज नजर आ रही है, लेकिन जब मैं इसको बहुत ज्यादा करीब ले जाऊंगा यहां से पढ़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे इसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसमें लिखा हुआ मैं क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि लेंस कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स तो होता है, फोकल लेंथ कम या ज्यादा करता है, लेकिन एक खास लिमिट के अंदर रहते हुए करता है। ऐसा तो नहीं कि जितना आप चाहें उतना आप इसको करेंगे, उसकी फोकल लेंथ को कम कर लें या जितना चाहें उतनी फोकल लेंथ को बढ़ा दें, कुछ लिमिटेशन है इसकी, लिमिट्स के अंदर रहते हुए करता है। तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक खास डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप क्लियरली उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको देख लेंगे। लेकिन जब आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नजर नहीं आएगा बल्कि वो ब्लर नजर आएगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस, वो शॉर्टर डिस्टेंस है जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हैं, इसको नियर पॉइंट भी कहा जाता है। अब एज के साथ साथ ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि अगर एक किसी का 25 सेंटीमीटर है तो हर एक बंदे का 25 सेंटीमीटर ही होगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो जवान हो, यंग हो, बच्चा हो, तो ऐसा नहीं है। एज के साथ साथ ये जो नियर पॉइंट है ये बढ़ता जाता है, 40 साल की उम्र तक ये तकरीबन 50 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है,
इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग अफराद हैं वो अखबार कैसे पढ़ते हैं, ऐसे दूर रख अखबार पढ़ रहे होते हैं ऐसे करके, हम कैसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग अफराद हैं वो कैसे पढ़ेंगे, अखबार को ऐसे सीधा करके यहां से पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका नियर पॉइंट उनकी एज के अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है, क्योंकि उनकी एज बढ़ती जा रही है, अब उनका नियर पॉइंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज ईयर तकरीबन 25 होता है एक यंग मैन के अंदर जो कि फिट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आई को। तो एज के साथ साथ क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो फिर तकरीबन जब एज हो जाती है 40 प्लस तो फिर ये 50 सेंटीमीटर को भी क्रॉस कर जाता है। अब हम बात करते हैं फार पॉइंट की। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होता है कि जिस डिस्टेंस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम चांद सितारों को भी देख सकते हैं, सूरज को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा दूरी पर है। तो हमारा जो वो लेंथ या वो डिस्टेंस जिसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको हम फार पॉइंट कहते हैं।